नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों इससे पहले मैं एक सरकारी बैंक के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। वो वीडियो में मैंने आपको 6 बैंक का एक पोर्टफोलियो बताया था सरकारी बैंकों का। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स मैसेज मेरे पास आए थे कि सर हम 6 बैंक ले नहीं सकते, कृपया हमें 2 या 4 बैंक ही बताइए। तो उसी कड़ी में यानी कि उसी सीरीज में मैं ये नेक्स्ट वीडियो आज आप लोगों के लिए बना रहा हूं। इसमें दोस्तों मैं आपको 4 सरकारी बैंक बताने जा रहा हूं जो आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि साहब आपको पता ही है कि बजट बहुत नजदीक है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट संभव हो सकती है और हम ऐसा ना हो कि साहब पीछे रह जाए, हमारा पोर्टफोलियो अधूरा रह जाए। क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हो इस वीडियो का कि 4 बैंक सर बताएंगे, हम उन 4 बैंकों को खरीदेंगे और वीडियो ना आ पाए और साहब बजट आ जाए। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो आनी जरूरी थी, तो आज इस वीडियो की मैं भरपाई कर रहा हूं, बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 4 बैंकों के नाम आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से करूंगा सजेस्ट, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार, क्या कहने साहब। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 4 बैंक, बल्कि 4 नहीं 6 बैंक लिए थे। 6 सरकारी बैंक दोस्तों मैंने उसमें लिए थे, एक पोर्टफोलियो मैंने सरकारी बैंकों का बनाया था 6 बैंकों का। 3 मैंने वो बैंक लिए थे जिनमें मर्जर की कार्रवाई हो गई थी और 3 वो बैंक लिए थे जिनमें मर्जर की कार्रवाई नहीं हुई थी। आज इस वीडियो में मैं 2 वो बैंक लूंगा जिसमें मर्जर की कार्रवाई हो चुकी है, उन्हीं में से है, वही 6 बैंकों में से है, और साथ 2 उन बैंकों में से मैं उठाऊंगा जिनमें साहब अभी मर्जर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जो नाम है साहब मेरा जिसमें मर्जर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, भविष्य में और होगी नहीं होगी वो तो ईश्वर ही मालिक है, बजट पे सारी उम्मीदें कायम हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिनमें मर्जर हो चुका है दोस्तों उसमें किसी प्रकार का कोई मर्जर अब संभव है। आगे सरकार है, देखते सरकार कुछ भी कर सकती है। तो ये जो सरकारी बैंक है ये पहला नाम है मेरा, यानी कि 6 बैंकों में से ही 2 जो जिनमें मर्जर की कार्रवाई हो चुकी है उसमें जो पहला नाम है दोस्तों वो है कैनरा बैंक का। जी हाँ दोस्तों, ये कैनरा बैंक आपको यहां से बहुत अच्छी रिटर्न देने का दम रखता है। देखिए चार्ट आ रहा है बगल में आपके पास, देखिए इसका बेस, देखिए इसका दोस्तों बेस जो है वो 190 के आसपास है और यही हमने बाय करा था। कैनरा बैंक को हमने यही बाय करा था 190 के आसपास, दोबारा इसमें री एंट्री ली थी, 220 का टारगेट था और 220 इसमें आराम से आ गया। अब ये 220 को कर रहा है होल्ड सस्टेन, तो डेफिनेटली एक बड़ा मूवमेंट आने की है इसमें संभावना, जो इसको 250 तक लेके चली जाएगी और 250 के बाद ये बहुत तेजी से ऊपर जाने का दम रखता है और जब तक बजट भी नजदीक होगा। तो कैनरा बैंक पहली च्वाइस है मेरी जिसमें मर्जर की कार्रवाई हो चुकी है। दूसरा बैंक दोस्तों आ रहा है यूनियन बैंक। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक भी सस्ता है वैल्यूएशन के हिसाब से, अगर जाके आप इसको देखना चाहते हैं वैल्यूएशन, अगर इसकी आप जानना समझना चाहते हैं तो आप जाइए, मेरा वीडियो है, उस वीडियो में मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह ब्रीफली समझाया है। यूनियन बैंक को वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बताया है कि ये सस्ता है, बाकी बहुत सारी चीजें उस वीडियो में मैंने बताई है, वो वीडियो आप देखिए, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो यूनियन बैंक मेरा सेकंड है जिसमें मर्जर की कार्रवाई हो चुकी है। ये बैंक दोस्तों 37 और 38 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। वैसे अब 37 और 38 जाना इसका मुश्किल है क्योंकि अभी 42 को तोड़ेगा तब जाके ये 37-38 आएगा, 42 का टूटना लग रहा है मुझे इम्पॉसिबल। 37-38 के पास हमने इसको दबा के शुरू में बाय कर लिया था और 50 का इसका टारगेट हम लोगों का रिसीव हो चुका था। अब दोबारा हमने जो इसमें री एंट्री ली है वो हमने लिए 42 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 42 के आसपास हमने यूनियन बैंक को दोबारा से बाय करा है। आप भी कर सकते हैं, अभी भी ये इतना ऊपर नहीं गया है, अभी भी ये मेरे ख्याल से 45 के आसपास चल रहा है। तो ये दूसरा बैंक है और साहब इसके जो टारगेट है आफ्टर 54 यानी कि 54 के बाद इसमें एक अच्छी खासी तेजी दोस्तों हमें देखने को मिलेगी। अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस में, जितने भी सरकारी बैंक है वो भी कंसोलिडेशन दौर से गुजर रहे हैं, तेजी जब वो उन्होंने अपना पिछला हाई काटेंगे तब जाके आएगी। पिछला हाई आप जानते हैं, समय समय पर मैं आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बताता रहता हूं, 12 के 12 बैंकों के जो हाई लगे थे
उसके बाद ही मैंने आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में उनके सारे हाई बताए थे और ये भी बताया था अगर ये हाई कटेंगे जब ही इनमें नेक्स्ट तेजी आएगी, वरना ये इसी सीमित दायरे में काम करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये दूसरा बैंक था यूनियन बैंक। ये दो बैंक हो गए दोस्तों जिनमें मर्जर की कार्रवाई हो गई। अब बात करते हैं उन दो बैंकों की जिनमें अभी मर्जर की कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहला जो साहब नाम आ रहा है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस बैंक में दोस्तों आप पोजीशन आराम से बना सकते हैं, आने वाले समय में आपको ये बहुत अच्छी रिटर्न देने का दम रखता है। देखो दोस्तों 18 और 19 के आसपास इसमें एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अभी ये स्टॉक 22 के आसपास कर रहा है ट्रेड, 22 के ऊपर जाने के बाद इसमें एक नई तेजी आएगी जो इसको 24 तक लेके जाएगी। तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुछ शेयर बाय कर सकते हो। और साहब चौथा और लास्ट स्टॉक आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप अभी भी बाय कर सकते हो। इसके जो टारगेट है वो बहुत बड़े हैं और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको बैंक ऑफ इंडिया 64 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल दोस्तों जो बैंक ऑफ इंडिया का ये भी एक स्टॉक है जो रेंज बाउंड, मतलब सभी जितने भी सरकारी बैंक हैं वो एक सीमित दायरे में आपको काम करते हुए नजर आएंगे जब तक बजट नहीं आएगा, और बजट के बाद इसमें आप एक शानदार जानदार रैली देखोगे। तो बैंक ऑफ इंडिया साहब इसके जो नेक्स्ट टारगेट है 64 के आसपास आपको ये निकलता हुआ जब दिखेगा तभी इसमें एक अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल ये 52 और 50 के आसपास ही झूलता हुआ आपको नजर आएगा। अभी ये थोड़ा सा ऊपर है, मेरे ख्याल से 54-55 के आसपास है, तो आप इसमें बाय कर सकते हो। क्वांटिटी किस प्रकार बाय करनी है ये व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में मैं आपको बताता रहता हूं। एक्युमुलेशन के द्वारा अगर आप इसमें सरकारी बैंकों में बाय करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आप जान गए होंगे कि आज मैंने इस वीडियो में आपको चार बैंक बताए हैं, दो वो बैंक जिनमें मर्जर की कार्रवाई हो गई, उनमें साफ कैनरा और यूनियन है जिसको आप बाय कर सकते हो। देखो दोस्तों बैंक सरकारी सारे ही अच्छे हैं, लेकिन हमें एक सीमित पोर्टफोलियो बनाना है अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। अब ऐसा तो नहीं कि हम 12 के 12 बैंक खरीद लेंगे, इतने सामर्थ्य कोई नहीं है, इतना पैसा किसी के पास नहीं होता, अमूमन आम निवेशक और आम रिटेलर के पास तो नहीं होता। बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी करते रहे लेकिन एक आम निवेशक इतना सारा पैसा अरेंज नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम अपने पोर्टफोलियो को सीमित करते जा रहे हैं। पहले मैंने 6 बताए, आज इस वीडियो में मैंने आपको 4 बैंक बताए। दो जिनमें मर्जर की कार्रवाई हो गई वो है कैनरा और यूनियन, और वो दो जिनमें मर्जर की कार्रवाई नहीं हुई इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 बैंक आपको मैंने आज इस वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 बैंक बताऊंगा, एक वो बैंक जिसमें मर्जर की कार्रवाई हो चुकी है और नेक्स्ट दूसरा वो बैंक जिसमें मर्जर की कार्रवाई नहीं हुई अभी नहीं हुई, और दोस्तों उसमें बहुत ही मामूली कैपिटल के साथ आप उसमें निवेश कर सकते हो उन दो सरकारी बैंकों में। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं, बहुत सीमित उनके पास पूंजी होती है, तो उनकी भी आशा जिज्ञासा रहती है कि सर कोई ऐसे 2 स्टॉक सरकारी बैंक बता दीजिए, एक वो जिनमें मर्जर की कार्रवाई हो गई है और एक वो जिनमें मर्जर की कार्रवाई नहीं हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसका लास्ट सीरीज का लास्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको डेफिनेटली वो 2 सब बैंक बताऊंगा और वो मैं समझाऊंगा जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा ग्राफ पे। देखो वो बहुत सस्ते बैंक होंगे और उनमें आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा के भी अगर बाय करते हो तो भी आपको नुकसान होने की जो संभावना है वो बहुत कम है। अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा हुई तो साहब आपकी किस्मत चमकते हुए देर नहीं लगेगी आफ्टर बजट। तो दोस्तों ये एक वीडियो था, 4 बैंकों के नाम मुझे सजेस्ट करने दे, कमेंट्स क्वेश्चंस के आंसर आपको देने दे, वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, आज मैंने वो बना दिया। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की, मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।